ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, जब मेरे हाथ पैर काम करने की कंडीशन में नहीं रहेंगे, जब मेरे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं रहेगा, तब मेरा घर खर्च कैसे चलेगा, तब मेरा गुजारा कैसे होगा, क्या मेरे बच्चे मेरे साथ देंगे, हो सकता है कि मेरे बच्चे मुझे लात मार के घर से निकाल दें, क्या होगा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सैलरी भी इतनी कम है, आखिर किस तरह से बचत करूं जिसे पेंशन के टाइम या जिसे रिटायरमेंट के टाइम मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए। ओ दोस्तों, आ गए आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत स्वागत है आज का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो एक विनोद साहू जी इस टाइम जो टेंशन ले रहे थे ना, वैसी टेंशन बहुत सारे लोग हो इस टाइम, जो मेरी एज ग्रुप वाले लोग हैं या मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे लोग हैं, हर लोगों के दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में इस टाइप की टेंशन है कि जब वो 60 साल 65 साल या 70 साल के हो जाएंगे तब क्या होगा, कहाँ से उनके पास पैसा आएगा, क्योंकि अभी जो भी पैसा आता जा रहा है वो पूरा खर्च होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो पेंशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम आपको 1,00,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं आज NPS के बारे में, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी योजना है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और सिर्फ 10,000 रुपये महीने से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के टाइम लमसम करीब 2 करोड़ रुपये अलग मिलते हैं, और 1,00,000 रुपये पर मंथ की पेंशन आपको अलग मिलती है। तो दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, हर महीने 10,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपकी मौजूदा एज 30 ईयर्स है, और अगर आप लगातार 30 सालों तक ऐसा करते हैं, तो आप सरकारी खाते में कितना पैसा जमा करते हैं, 36,12,36, यानी कि 36,00,000 रुपये आप पूरे 30 साल में वहां पर जमा करते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि अभी जो अगर नेशनल पेंशन सिस्टम का अगर ग्रोथ रेट देखा जाए, अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए, तो वो अभी आ रहा है करीब 15%, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो वो आएगा करीब 12%। अगर 12% भी आपको रिटर्न मिलता है, तो आप पूरे इस 30 साल के दौरान करीब 3,12,00,000 रुपये का आपको वहाँ से ब्याज मिलेगा। 3,12,00,000 रुपये आपके ये, और 36,00,000 रुपये आपके वो, तो ये होते हैं करीब 3,58,00,000 रुपये। आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, करीब करीब 3,50,60,00,000 रुपये होंगे। अब NPS का सिस्टम जो नियम होता है वो ये कहता है कि जब भी आपका ये पेंशन फंड इकट्ठा हो जाता है 3,50,60,00,000 रुपये, तो इसमें से 40% आपको एनुइटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब इसका 40% होता है करीब 1,40,41,42,00,000 रुपये। जब ये आप पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपको करीब 5-6% के हिसाब से उसमें रिटर्न मिलता है। तो 1,40,42,00,000 का 5-6% के हिसाब से अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, तो वो होता है करीब 1,00,000 रुपये। तो इस तरह से 1,00,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी हर महीने। दूसरी कंडीशन, जो आपका बाकी का जो पैसा बचा है, यानी कि 2,10,11,00,000 रुपये, वो आपको लमसम मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। आपको बस 10,000 रुपये निकालना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है 10,000 रुपये महीने निकालना, लेकिन जिसकी सैलरी 50,000 या 60,000 रुपये है, तो वो बड़ी ही आसानी से 10,000 रुपये मंथली निकाल सकता है, और अपने रिटायरमेंट को, अपने बुढ़ापे को, जब वो बुजुर्ग होगा, बूढ़ा होगा, बिल्कुल सिक्योर कर सकता है। उसको अभी से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हम आपको बता दें कि NPS में कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई भी 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर किसान, कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको बताया कि आप 1,00,000 रुपये की महीने की पेंशन आप इस तरीके से उठा सकते हैं। तो अब जो शुरुआत वाले विनोद की जो टेंशन थी, वो शायद
कम हो गई है और आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को आप सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।